मुक्ता ने जैसे ही वो जाना पहचाना सा चेहरा देखा वो शॉक्ड थी। मुक्ता ने दूसरी डायरेक्शन में अपना चेहरा घुमाते हुए मन ही मन में कहा, इस ईशान की प्रॉब्लम क्या है? जब जब मैं मुक्ता से अंजलि बन चुकी होती हूँ ये बीच में आ ही जाता है। ओके आई अग्री कि ताजमहल देखने जैसी जगह है, लेकिन इसे आज यहाँ क्यों आना था? मुक्ता ने देखा कि ईशान बहुत ही कैजुअल से कपड़ों में ताजमहल के एंट्रेंस पर खड़ा था। अपना चेहरा छुपाते छुपाते मुक्ता एक नजर ईशान को देख भी रही थी। वो इसी तरफ आ रहा था और एकदम से मुक्ता का फोन बजने लगा। मुक्ता ने देखा कि कॉलर आईडी पर शर्मा अंकल का नाम फ्लैश हो रहा था। मुक्ता ने कॉल आंसर करते हुए कहा, हेलो शर्मा अंकल, मैं साइट पर पहुंच गई हूँ। मुक्ता की बात सुनकर शर्मा अंकल ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, अंजलि बेटा तुम अब भी टाइम की बिल्कुल पक्की हो। वो आज का जो टूरिस्ट ग्रुप है वो फ्रांस से आए हुए लोग हैं। शर्मा अंकल की कही इस बात को सुनकर मुक्ता थोड़ी देर के लिए सोचने लगी। उसने वरीड होते हुए कहा, लेकिन शर्मा अंकल मुझे फ्रेंच तो नहीं आती, क्या वो अंग्रेजी समझ लेंगे? मुक्ता की आवाज में झलक रहे इस टेंशन को नोटिस करते हुए शर्मा अंकल हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए मुक्ता से कहा, अंजलि बेटे मैं जानता हूँ कि तुम्हें फ्रेंच नहीं आती, इसलिए मैंने एक ट्रांसलेटर का इंतजाम कर लिया है। मैं अभी तुम्हें उसका नंबर भेजता हूँ, वो भी ताजमहल के बाहर ही खड़ा है, उसे कॉल कर लो और तुम दोनों 5 मिनट में टूरिस्ट ग्रुप को रिसीव कर लेना। शर्मा अंकल की बात पर मुक्ता ने हामी भर दी। जैसे ही उसने कॉल काट दिया उसे एक SMS मिला। इससे पहले कि वो उस ट्रांसलेटर को कॉल करती मुक्ता ने एक नजर ईशान को देखा, लेकिन अब ईशान वहां पर नहीं था। उस जगह पर ईशान को ना देखकर मुक्ता की सांस में सांस आई। चलो एक मुसीबत तो टली, अब इस ईशान से अपना ध्यान हटाकर अच्छे से काम कर लेती हूँ, मुझे मिहिर की हेल्प भी तो करनी है। मुक्ता ने जल्दी से उस ट्रांसलेटर को कॉल किया। हेलो शर्मा अंकल ने तुम्हारा नंबर दिया है, मैं अंजलि बात कर रही हूँ, तुम कहाँ हो? उस ट्रांसलेटर की जगह का पता चला तो मुक्ता नीम के पेड़ के नीचे बने बेंच की तरफ जाने लगी। मुक्ता ने देखा कि वहां एक लड़का बैठा था, वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसने ट्रांसलेटर लड़के के पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, ट्रांसलेटर? किसी के हाथ को अपने पीठ पर महसूस करते हुए जब उस ट्रांसलेटर ने पीछे मुड़कर देखा मुक्ता की जान ही निकल गई। क्या कमाल का बैड लक है मेरा, जिससे भाग रही थी उसी के पीछे आ गई। अगर इस ईशान ने मुझे पहचान लिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। जैसे ही ईशान ने मुक्ता को देखा वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखते हुए कहा, हाँ और तुम अंजलि हो राइट? मुक्ता ने बेमन से ही हाँ में अपना सर हिला दिया। मुक्ता की हामी को देखकर ईशान ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हाय मैं ईशान, पिछले 1 वीक से मैंने शर्मा सर के कंपनी में ट्रांसलेटर की पोजीशन ज्वाइन की है, आज मेरा पहला टूर है, मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मुक्ता ने ईशान का ऐसा इंट्रोडक्शन सुना वो उसे देखती ही रह गई। क्या ये ईशान इतना बोलना भी जानता है? मुझे तो लगा था कि सबके साथ रूड होकर बात करने के अलावा इसे कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ पर तो ये बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा है। ईशान के इस पोलाइट बिहेवियर के बारे में सोचते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, क्योंकि बहुत देर तक वो अपनी सोच में ही खोई हुई थी तो ईशान ने उसकी तरफ थोड़ी सी क्यूरियोसिटी से देखा।
उसके एक्सप्रेशंस को समझकर मुक्ता ने उसे अपने बारे में बताया। हाय, मैं अंजलि। हर वकेशंस में मैं शर्मा अंकल के यहाँ टूर गाइड का पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। नाइस टू मीट यू। ईशान और मुक्ता ने देखा कि टूरिस्ट के आने का टाइम हो गया था, तो वो दोनों एंट्रेंस गेट की तरफ चले गए। उन दोनों ने देखा कि 8 से 10 फ्रेंच लोग बस से नीचे उतरे। जब मुक्ता ने बस ड्राइवर को देखा, मुक्ता समझ गई कि यही उसका आज का टूरिस्ट ग्रुप था। ईशान, उन्हें फ्रेंच में वेलकम करो और पूछो कि क्या हम अभी टूर शुरू कर सकते हैं। ईशान ने मुक्ता की बात पर हामी भरी और उनके पास जाकर फ्रेंच में बोलना शुरू किया, बोंजोर। जब ईशान उन फ्रेंच लोगों के साथ उनकी ही लैंग्वेज में इतना फ्लुएंटली बात कर रहा था, मुक्ता उससे अनजाने में इम्प्रेस्ड हो गई थी। मैं इस ईशान को तो जानती ही नहीं थी, कितना स्माइल करके उनसे बात कर रहा है। मैंने तो आज पहली बार इस लड़के को स्माइल करते हुए देखा है। नहीं मुक्ता, इस लड़के से ज्यादा क्लोज होना मेरे लिए सही नहीं होगा। एक तो जिस तरह की बातें ईशान ने मुझे पार्टी में सुनाई थी और जिस तरह की राइवलरी ईशान और मिहिर के बीच में है, उसके चलते यही अच्छा होगा कि इन 2-3 दिनों के बाद मैं इससे दूर ही रहूं। जब मुक्ता ईशान के साथ उसके सेफ डिस्टेंस के बारे में सोच रही थी, ईशान ने उसे पुकारा, अंजलि हम शुरू कर सकते हैं, अंदर चलें। ईशान की बात पर मुक्ता ने हामी भर दी और सबको लीड करते हुए अंदर जाने लगी। गार्डन से कुछ अंदर जाने के बाद मुक्ता ने सबको ताजमहल के बारे में बताना शुरू किया। ताजमहल को प्यार की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। अगले 15 मिनट तक मुक्ता के टूरिस्ट को ताजमहल की जानकारी देने के बाद ईशान उन्हें सब कुछ ट्रांसलेट करके बता रहा था। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सभी टूरिस्ट साइट सीइंग करने लगे, लेकिन एक टूरिस्ट पीछे ही रह गया। उसने मुक्ता के पास आकर उससे फ्रेंच में कुछ कहा, क्योंकि मुक्ता कुछ समझ नहीं पा रही थी, ईशान ने उसकी बात को ट्रांसलेट करते हुए कहा, इनका नाम लुई है, ये पेरिस के एक फेमस ब्लॉगर है। ये कह रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो इनके ब्लॉग्स में ये हम दोनों की फोटो भी पब्लिश करना पसंद करेंगे। फोटो की बात सुनकर पहले तो मुक्ता नर्वस हो गई, वो डायरेक्टली मना करना चाहती थी, लेकिन फिर इस बारे में सोचते हुए उसने मन ही मन में कहा, मुझे ऐसे बहुत लोग मिले जो खूबसूरत मुक्ता का फोटो निकालना चाहते थे, लेकिन पहली बार किसी को अगली अंजलि की फोटो निकालने का मन हो रहा। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि कोई अंजलि को भी इम्पोर्टेंस दे रहा था, मुक्ता ने फोटो के लिए तुरंत हामी भर दी। लुई ने मुक्ता और ईशान से कहा, टुगेदर कम क्लोज। ईशान और मुक्ता ने एक साथ खड़े होकर फोटो के लिए पोज किया। फोटो निकालने के बाद लुई ने उन दोनों से हंसते हुए कहा, मर्सी, थैंक यू, नाइस कपल। जब मुक्ता और ईशान ने लुई के आखिरी शब्द सुने, वो दोनों ऑकवर्ड हो गए। इससे पहले कि ईशान उसे समझा पाता कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, लुई वहां से चला गया था। अंजलि, एक्चुअली यूरोप में ये सब बहुत ही नॉर्मल बातें होती हैं, इन सबको ज्यादा माइंड मत करना, ईशान ने मुक्ता को कंफर्टेबल कराने की कोशिश में कहा। हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम वहां जाकर जो आए हो, मुक्ता ने ज्यादा सोचे बिना कहा। लेकिन अपनी बात कहने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही कह चुकी थी। ईशान के फॉरेन जाने की बात तो मुक्ता को पता थी, और अब अंजलि ने इस बात का जिक्र करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ईशान ने भी उसे पूछा, तुम्हें कैसे पता? अब मुक्ता की धड़कनें तेज हो रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी
कि उसे ईशान को क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन अब जब मुक्ता को हर दिन में 2 से 3 झूठ बोलने की आदत हो गई थी, उसने कोई बहाना बना ही लिया। मैं तो पूछ रही थी, क्या तुम वहां जाकर आए हो? मुक्ता ने एकदम कूल प्ले करते हुए कहा। ईशान ने हामी भर दी। ओ गॉड, बाल बाल बच गई। मैं भी ना कुछ भी बोले जा रही हूं, इस ईशान से कम ही बात करूंगी तो अच्छा होगा। इसके बाद मुक्ता ने ईशान से दूरी बनाकर रखी। आधे घंटे में सारे टूरिस्ट्स लौट आए थे। मुक्ता ने उनसे कहा, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ताजमहल पसंद आया होगा। अगर आप आगरा में कुछ और भी देखना चाहते हैं, तो कंपनी में कॉल कर सकते हैं। आपको हमारा शहर घुमाने में हमें बहुत खुशी होगी। ईशान ने मुक्ता की बात को ट्रांसलेट किया। सभी टूरिस्ट ने ईशान और अंजलि से हाथ मिलाया और अपनी बस में बैठ गए। उनके जाने के बाद वहां बस ईशान और मुक्ता ही रह गए थे। ये वक्त ताजमहल के बंद होने का था, इसलिए सभी टूरिस्ट एक एक करके जा रहे थे। मुक्ता ने टाइम की तरफ देखा और ईशान से बोली, चलो अच्छा है, वक्त के अंदर ही सब कुछ हो गया। अगर लेट हो गया होता तो घर पे डांट खानी पड़ती। मुक्ता ने ये बहुत ही कैजुअली कहा था, लेकिन इसे सुनकर ईशान का चेहरा हमेशा की तरह सफेद हो गया। मुक्ता ने उसके बदलते एक्सप्रेशंस को देख लिया और उससे कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई लेट आने के लिए डांट नहीं लगाता? मुक्ता ने मजाक में ही कहा था, लेकिन ईशान के जवाब से वो दंग रह गई। नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं टाइम पर घर जा रहा हूँ या नहीं। मुक्ता ने कभी भी नहीं सोचा था कि जो ईशान हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, वो सच में इतना अकेला होगा। कभी कभी लगता है कि ये लड़का कोई मिस्ट्री है और मैं इसे कभी भी सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगी। कभी रूड होता है, कभी मुझे कंफर्ट करता है, बिना मांगे ही हेल्प कर देता है, तो कभी कभी अपने फ्रेंड्स से दूर भागता है। ईशान सच में कैसा है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी हो, पर ईशान दिल का बुरा नहीं है। मुक्ता ने खुद से बात करते हुए मन ही मन में कहा। जब वो ईशान को कंफर्ट करना चाहती थी, उसका फोन बजने लगा। मुक्ता ने जब देखा कि किसका कॉल था, कॉलर आईडी पर मिहिर का नाम फ्लैश हो रहा था। मुक्ता ने खुद को एक्सक्यूज करते हुए कहा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं 1 मिनट में आती हूँ। ईशान ने हामी भर दी तो मुक्ता दूसरी तरफ जाकर कॉल आंसर करने लगी। हेलो मिहिर, क्या हुआ है? मिहिर ने जब मुक्ता को धीमी आवाज में बात करते हुए सुना, वो बोला, बेबी बिजी हो क्या? मुक्ता ने इस सवाल को मना नहीं किया और उसने कहा, हाँ वो घर पर कुछ गेस्ट आए हुए हैं। क्या हुआ? मिहिर को जब पता चला कि मुक्ता अभी बात नहीं कर सकती थी, तो वो डिसअपॉइंट हो गया। कुछ नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। अब कॉलेज की 3 दिन छुट्टियां हैं, मैं तुमसे कैसे मिलूंगा? एनीवेज मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तुम फ्री हो जाओ तो हम बात करते हैं। मिहिर की इस बात को सुनकर एकदम से अपने बॉयफ्रेंड के लिए मुक्ता के दिल में नरमी छा गई। अब वो मिहिर के साथ बात करना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि ईशान अभी भी उसका वेट कर रहा था। थोड़ा कंसिडर करने के बाद मुक्ता ने मिहिर से कहा, हाँ मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, और मुक्ता ने कॉल काट दिया। मुझे मिहिर से झूठ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं अंजलि बनकर ये जॉब सिर्फ उसके लिए ही तो कर रही हूँ। बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद मैं यहाँ फिर से अंजलि बनकर ईशान से मिलने नहीं आऊंगी। मुक्ता ने मन ही मन में कहा और ईशान की तरफ चली गई। मेरे घर से कॉल था,
अब मुझे जाना होगा, हम कल मिलते हैं। ईशान ने जब अंजलि की ये बात सुनी, उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। जैसे ही मुक्ता ने जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, वहां पत्थर के होने से उसका पैर फिसल गया। जब वो गिरने ही वाली थी, ईशान ने उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया और मुक्ता को गिरने से बचा लिया। अंजलि, तुम ठीक हो? ईशान ने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा। अचानक से ताजमहल के गार्डन में लगे हुए नाइट लैंप्स जलने लगे, फाउंटेन्स के कलरफुल लाइट्स भी शुरू हो गए थे। अब तक जो चांद बादलों से ढका हुआ था, अब वो साफ साफ दिखने लगा। उस मूनलाइट में मुक्ता को ईशान की ये आंखें बहुत ही जानी पहचानी सी लगी। उफ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मुझे सही से चलना भी नहीं आता, और मैं गिर जाती तो अच्छा होता। ईशान को मुझे पकड़ने की क्या जरूरत थी? मुक्ता ने दिल ही दिल में कहा। अचानक से मुक्ता ने ईशान के कंधों का सहारा लिया और सीधी खड़ी हो गई, लेकिन क्योंकि फिसलने की वजह से उसका पैर मुड़ गया था और वो चल नहीं पा रही थी। क्या तुम चल सकती हो? एक मिनट, तुम इस बेंच पर बैठ जाओ। मुक्ता ने ईशान का हाथ पकड़ा और बेंच पर बैठ गई। ईशान उसके ठीक सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और मुक्ता के पैर को छूने लगा। ईशान, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन ईशान ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके पैर पर अपनी उंगलियों से मसाज करने लगा। ज्यादा सीरियस नहीं है, घर जाकर ऑइंटमेंट लगा लोगी तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। ईशान की कही बात सुनकर मुक्ता ने हाँ में अपना सर हिला दिया और ईशान से बोली, थैंक यू। मुक्ता ने जब ये कहा, ईशान उसे देखने लगा। मुक्ता समझ नहीं पा रही थी कि ईशान उसे ऐसे क्यों देख रहा था। कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुक्ता ने ईशान से सवाल करते हुए कहा। इस क्वेश्चन का जो जवाब ईशान ने मुक्ता को दिया, उसे सुनने के बाद मुक्ता की हार्ट बीट एक सेकंड के लिए रुक सी गई थी। ईशान ने मुक्ता से कहा, अंजलि, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, मैं तुम्हें जानता हूँ। मुक्ता ने ईशान के आखिरी वर्ड्स को सुनकर मन ही मन में कहा, क्या कहीं इसे पता तो नहीं चल गया? ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? क्या ईशान जान गया था कि मुक्ता और अंजलि दोनों एक ही थे? अब मुक्ता क्या करेगी? क्या उसका राज अब बाहर आ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।